ओके, कल हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हमने तीन फैक्टर्स किए थे. फर्स्ट कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक कैटायन फॉर्म होना चाहिए, कैटायन फॉर्म होना चाहिए और कैटायन फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो. नंबर टू, एनायन फॉर्म होना चाहिए और एनायन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई. एंड नंबर थ्री, जब कैटायन और एनायन बन जाता है तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, यहाँ क्रिस्टल बनता है और उसके स्ट्रक्चर को हम लैटिस बुलाते हैं. तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बुलाते हैं लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए. तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाता है, इट गिव्स अस अ टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. सो आयनिक कंपाउंड्स कौन से हुए, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. और वो जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो बना किस तरह से है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं. और उस डेफिनेट पैटर्न को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज अ लैटिस. ठीक है, या अनदर वर्ड, इट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, सो क्रिस्टल लैटिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, किसी भी कैटायन और एनायन की कॉम्बिनेशन से जो बनता है. हमने कल एक एग्जांपल किया था सोडियम क्लोराइड का, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था हमने कि सोडियम क्लोराइड एक क्यूब स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें हर एक सोडियम जो है वो सिक्स क्लोरीन एटम्स के साथ सराउंडेड होते हैं और हर एक क्लोरीन जो है वो सिक्स सोडियम के साथ सराउंडेड होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे, फिजिकल स्टेट अगर हम उसकी देखें तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फोर्सेस कौन से थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर किसी भी दो चीज के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो इसका मतलब कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, देन नंबर थ्री, सॉल्युबिलिटी. राइट, हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है Like dissolves like. Like dissolves like का मतलब क्या हुआ कि water जैसे है, water में सिर्फ ionic compounds जो है वो soluble होंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि water में भी slight charges होते हैं. Slight charges का मतलब एक positive और एक negative charge, क्योंकि oxygen और hydrogen के बीच में काफी ज्यादा electronegativity difference है. तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर.
Whereas जितने भी हमारे जैसे क्या कहते हैं उसको organic compounds हैं जो हम लोग आगे करेंगे वो सारे के सारे water में dissolve नहीं होते organic compounds में अगर आपको पता है तो नाम सुना है आपने जैसे sand ले लो चलो sand अगर हम लेते हैं तो sand is a covalent compound तो sand अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है dissolve नहीं होता ठीक है so sand जो है वो dissolve होगा किसी भी एक organic compound के अंदर क्यों क्योंकि जो sand है उसमें कोई भी different charges नहीं है इसलिए वो water के अंदर dissolve नहीं होगा तो sand generally हम बोलते हैं carbon disulfide में dissolve होता है ठीक है whereas जितने भी आपके ionic compounds हैं वो सारे के सारे dissolve होते हैं water as water is a polar solvent polar ka matlab it has different charges due to difference in electronegativity between hydrogen and oxygen theek hai so jitne bhi ionic hai ionic mein bhi ions hai aur jo polar solvent hai usme bhi ions hai isliye jitne bhi ionic honge wo sare ke sare dissolve hote hain water ke andar and they are insoluble in organic solvents they are insoluble in organic solvents theek hai then the third property a fourth property is electrical conductivity electrical conductivity the property to conduct electricity use hum electrical conductivity bulate hain jo electrical conductivity hoti hai that is due to mobility ya movement of ions jaise hi hum kisi bhi ek ionic compound ko kisi solvent mein water ke andar dissolve karte hain to ionic compound break ho jata hai into its respective ions jaise agar hum sodium chloride le rahe hain और सोडियम क्लोराइड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस अब ये जो यहां पे आयंस बने दीज आयंस आर फ्री टू मूव ठीक है जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो तभी कंडक्ट होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स वायर की थ्रू मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लेके जाते हैं फिजिक्स में आप पढ़ते हो उसको ठीक है उसी तरह से या फिर आयंस मूव कर रहे हैं तो आयंस भी क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे एक पोर्शन से नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बट लेटर सो अभी आपने यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस और वो जो फ्री आयंस हैं वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोग किसी भी एक आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे रिस्पेक्टिव आयंस बन जाएंगे ये आयंस मूव करने लग जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स दे आर conductors of electricity they are good conductors of electricity theek hai and then fifth non directional in nature नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम ले NaCl ले डायरेक्शन जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की आपको मालूम है कि तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमने जब ऑर्बिटल पिक्चर करी थी x y और z जब भी हम थ्री डायमेंशंस में करते हैं तो थ्री कोऑर्डिनेट्स करते हैं
x, y and z. ठीक है, डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जो एक एटम है सेंट्रल एटम, उसके साथ जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो इस किसी भी एक कोऑर्डिनेट की तरफ को अपने आप को डायरेक्ट करें, दैट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड. पर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में हमारे पास NaCl है, सो NaCl में क्लोरीन कोई भी डायरेक्शन नहीं लेता, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन इट वांट्स, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी नहीं होती. उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी लेते हैं तो ये वाले क्लोरीन जो है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं तो ये कोई भी प्लेस ले सकते हैं इन अ कंपाउंड. ठीक है, सो देयरफॉर वी से कि दे हैव अ नॉन डायरेक्शनल नेचर. ये अपने आप को तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी कोऑर्डिनेट की तरफ को डायरेक्ट नहीं होते, बहुत सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर रहता है, तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या बुला रहे हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है, सो ये दीज आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल स्टेट, जनरली दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. नंबर टू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई हैं, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके हाई होते हैं. नंबर फोर, सॉलिबिलिटी इनकी वाटर के अंदर इसलिए होती है बिकॉज दे हैव आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, नंबर फाइव, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस दे हैव द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड नंबर फाइव, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये किसी भी कोऑर्डिनेट्स की तरफ को अपने आप को डायरेक्ट नहीं करते. ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स हमें समझ में आ गए. एनी प्रॉब्लम इन दिस? नथिंग. सो वी गो ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स नाउ और बॉन्ड्स विच आर नोन एज द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स या बॉन्ड्स which are known as covalent bonds. Covalent bonds. Covalent bonds, they are formed by mutual sharing of electrons. They are formed by mutual sharing of electrons. अब जैसे आयनिक बॉन्ड में एक स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता था दूसरे स्पीशीज को और दूसरा स्पीशीज उनको अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ को, वैसा यहां पे नहीं होता. यहां पे अगर पांच फ्रेंड्स हैं और पांच स्वीट्स हैं तो वो पांचों फ्रेंड्स एक एक स्वीट को शेयर कर लेंगे. ठीक है, सो उसमें शेयरिंग ऑफ, अगर 10 भी है तो आधी आधी शेयर कर लेंगे. सो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, सो दैट इज व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हाइड्रोजन को नोबल गैस हीलियम तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टू, मतलब इन टोटल टू, वन उसके पास है, वन और चाहिए. ठीक है, टू चाहिए. तो ये कहता है कि मैं तेरा वाला शेयर कर लेता हूं और ये कहता है कि मैं तेरा वाला भी शेयर कर लेता हूं. तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका भी शेयर कर लेगा. तो इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सो व्हेनेवर वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इट फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड और इसको हम क्या बुलाते हैं, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं साथ साथ ही. ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं,
ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, नियरेस्ट नोबल गैस या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 मोर. सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, ठीक है. और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, तो अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड, ठीक है. सो दिस इज डबल बॉन्ड formed by sharing of 2 electrons, right? So total हमारे पास कितने होने चाहिए? एक oxygen के पास 8. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? उसी तरह से इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear हो गया? Then we have nitrogen. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 5, 2s2, 2p3, है ना. और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5. सो ये नाइट्रोजन 5, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 मोर. सो ये 5 और इसके 3 शेयर कर लेगा, 8 हो गए. और ये इसके शेयर कर लेगा, इसके पास भी 8 हो गए, ठीक है. और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3 शेयर्ड करे हैं उन्होंने. सो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. अब आप यहां देखो, इनके पास 3 डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हर एक एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट है. तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बुला रहे हैं? सो कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए? विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ each atom, valence shell या outermost shell of each atom, उसे हम क्या बुलाते हैं? valence electrons, ठीक है. second oxygen में आप देखो कि ये वाला electron, ये वाला electron, ये वाला electron, ये 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 और ये participate नहीं कर रहा है bonding में, ठीक है. so जो second type of electrons हैं जो participate bonding में नहीं करते उनको हम बुलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए? विच आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, 1, 2, 3, 4 इन ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नाइट्रोजन, इनको हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है या आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का आगे हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, राइट. इज इट क्लियर? ओके. अब इसी तरह से थोड़े से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे थोड़े और मॉलिक्यूल्स के, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाने? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
examination point of view से बहुत important है, that is Lewis dot structures, right? हमने hydrogen का बना लिया, oxygen का बना लिया, nitrogen का बना लिया. अब हम बनाते हैं let's say क्लोरीन का, ठीक है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है? दूसरे के पास भी 7, सो ये इसका शेयर कर लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, तो रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? Cl with a single bond, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि जो मॉलिक्यूल्स जिसके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जिसके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स. तो ये सारे के सारे जितने भी हमने एग्जांपल्स किए, दे ऑल आर होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब ये जितने हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? हेटेरो एटमिक, क्योंकि डिफरेंट तरह के एटम्स हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? जो ये सेंटर वाला एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको लिखने हैं. कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, ठीक है? ऑक्सीजन के पास 6, राइट? उसी तरह से एक ऑक्सीजन इस साइड बना देते हैं. कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स. और ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2. सो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ये 2 शेयर कर लेगा. ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके 2 शेयर कर लेगा, राइट? और जो ये कार्बन है, ये इस ऑक्सीजन के ये वाले दोनों भी शेयर करेगा और ये दोनों भी शेयर करेगा. सो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो कार्बन क्या कर रहा है? दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वो दो दो शेयर कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. थर्ड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. सो हर एक क्लोरीन को कितना चाहिए? 1. और कार्बन को कितने चाहिए? 4. सो इन दिस केस हम कार्बन को सेंटर में रख के उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? एक क्लोरीन हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? ठीक है? अब ये क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. उसी तरह से ये वाला क्लोरीन इसका शेयर कर लेगा. Then, अब ये कार्बन क्या करेगा? सारे क्लोरीन के
चारों शेयर कर लेता है. ये शेयर कर लिया, ओहो ये वाला रह गया. ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया और ये भी शेयर कर लिया. तो रिप्रेजेंट हम इसे कैसे करेंगे? CCl4. उसी तरह से मीथेन का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम है बिल्कुल इसी की तरह, सिर्फ आपने क्लोरीन की जगह यहां पे भी हाइड्रोजन लेना है, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी. और हर एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. सो वो 1-1 आपने ले लेना है. ठीक है, सो CH4 का जो स्ट्रक्चर आएगा इन अ सिमिलर मैनर CH4 के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये सारे के सारे जितने हमने किए ये सब न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं. ठीक, अब हम कुछ करते हैं जिनके ऊपर चार्जेस भी हैं. अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे? क्या बोला मैंने कि अभी हमने जितने भी करे वो सारे न्यूट्रल है, राइट? अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट होते हैं. तभी वो कैटायन और एनायन बनता है ना. तो उसी के बेसिस पे कुछ हम लोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं CO3 2 नेगेटिव. दिस इज द कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव. अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या ऑक्सीजन के ऊपर या कार्बन के ऊपर. ठीक है, सो कार्बोनेट का देखो किस तरह से हम बनाएंगे. एक कार्बन हमने यहां लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहां लिख दिया. ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6. इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? इस वाले को इस साइड ड्रॉ करो, 6. और ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे? 6. ठीक है, अब जब कार्बन का हम लोग शेयरिंग करेंगे तो कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए. नहीं, वैसे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? कितने? 4. सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां डाल दिए. 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब देयर आर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां डाल देते हैं, राइट? अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको शेयर कर लेगा. और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको शेयर कर लेगा. ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इसको शेयर कर रहा है. पर जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हम 2 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, जस्ट टू शो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पास ज्यादा हैं. समझ आया? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास होंगे वो ज्यादा होंगे. ठीक है, अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो नेसेसरीली हम इस तरह से शो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं ले रहे हैं तब भी हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. ठीक है, पर कार्बोनेट आयन को बेसिकली हम शो कैसे करते हैं? कार्बोनेट आयन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड. और 2 नेगेटिव चार्ज हमने इसके ऊपर लगाना है. 2 नेगेटिव. ठीक है, अब वो 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा कैसे है? देखो ये कार्बन है, हमको सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं. इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2, 3, 4. सो कितने और होने चाहिए? 4. फोर. ठीक है,
इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 एंड 2 तो कितने और होने चाहिए 6 ठीक है उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 6 तो जब भी किसी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ठीक है तो इसका मतलब ये जो 2 नेगेटिव है वो 1 नेगेटिव इसके ऊपर है और 1 नेगेटिव इसके ऊपर है क्लियर हुआ लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए ओनली 2 या 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं अगर इसके पास 4 से कम होते तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता अगर 4 से ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इन टोटल ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है राइट तो 6 तो इसके पास अपने बड़े हुए ये वाला इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया इसके पास तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया उसी तरह से यहां पे भी इसके पास 6 पड़े हुए ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा अगेन नेगेटिव चार्ज हैव यू अंडरस्टूड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपने किस तरह से शो करने हैं ओके तो एक पॉजिटिवली चार्ज भी करते हैं H3O पॉजिटिव इसे बुलाते हैं हम हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ठीक है अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ठीक है अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास नहीं है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है सो ऑक्सीजन के पास इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 4 6 इस हाइड्रोजन के पास एक है इस हाइड्रोजन के पास एक है इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है ठीक है सो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा इसका एक शेयर कर लेगा इसका शेयर कर लेगा ये ऑक्सीजन के ही दोनों शेयर कर लेता है ठीक है और ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज क्लियर सो व्हाट आर वी सेइंग सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये और ये और ये भी एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसे हम क्या बुला रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम प्रोवाइड करता है क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था पर इसने बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन कहता है तू मेरे दोनों ले ले और बॉन्ड बना ले ठीक है सो पॉजिटिव चार्ज यहां पे किसके ऊपर है हाइड्रोजन सो दिस स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अ स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच Both the electrons provided for sharing in which both the electrons provided by sharing is by one atom only. यहाँ पे arrow नजर आ रहा है हमें
ये एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ऑक्सीजन इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है तो जो देता है उसे हम डोनर एटम बुलाते हैं और जो लेता है उसे हम एक्सेप्टर बुलाते हैं ठीक है सो डोनर क्या हुआ ऑक्सीजन व्हिच इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है इसको हमने आयनिक बॉन्ड के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है वो सिर्फ शेयर कर रहा है ठीक है सो डोनर व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग एंड एक्सेप्टर व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग ठीक है और एटम्स जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फेट आयन SO4 टू नेगेटिव प्रेजेंट इन सल्फेट आयन कार्बोनेट आयन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ठीक है यहां तक हमें समझ आ गया देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज क्या होता है फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें मोस्ट स्टेबल कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है फॉर्मल चार्ज सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ एसोसिएटेड होता है ठीक है और ये हमें बताएगा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ही कंपाउंड के कहां पे हमको जो सराउंडिंग एटम्स है उसको किस तरह से हमने सेंट्रल एटम के साथ अटैच करना है ताकि जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बने उसका लोएस्ट फॉर्मल चार्ज होना चाहिए ठीक है अब हम फॉर्मल चार्ज को मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं फॉर्मल चार्ज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बी क्या है मैंने तीनों बता दिया आपको क्या होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और हमने बोला कि फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लोएस्ट फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर होगा वो सबसे स्टेबल होगा या टोटल फॉर्मल चार्ज एक किसी भी कंपाउंड का जीरो होना चाहिए ठीक है तो दो हमने एग्जांपल्स करने फर्स्ट एग्जांपल ओजोन का मॉलिक्यूल ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस ठीक है अब ओजोन के स्ट्रक्चर में लोन पेयर सब करते इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है एड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और लगाएंगे है ना इसके पास 1 2 है 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और इसके पास 1 2 3 4 5 6 है 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे ठीक है अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जीरो फॉर्मल चार्ज आना चाहिए
क्योंकि चार ही अनपेयर्ड जो लोन पेयर है वो होते हैं ऑक्सीजन में, मैंने अभी आपको समझाया था. तो इसके ऊपर जीरो होना चाहिए, इसके ऊपर माइनस वन होना चाहिए और इसके ऊपर प्लस वन होना चाहिए. तो हम इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पहले करा वो ठीक था कि गलत था. ठीक है, सो हम नंबर कर देते हैं इसको, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री. सो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं? सिक्स. वैलेंस, वैलेंस तो तीनों के पास सेम है ना, सिक्स. माइनस लोन पेयर कितने हैं? टू. ठीक है, शेयर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. राइट, सो अभी कितना हो गया? सिक्स माइनस टू इज फोर माइनस थ्री प्लस वन. तो यही हमने बोला था कि जिसके पास चार से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए. तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव. लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड वन. अगेन सेकेंड वाले में सिक्स माइनस सिक्स और वन बाय टू इंटू टू. ए सिक्स और सिक्स कट गया, वन माइनस वन. सो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस वन ही आना चाहिए इसके ऊपर. ठीक है, फिर थर्ड वाले के ऊपर देखिए, थर्ड वाले के ऊपर अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाले के ऊपर क्या आएगा? सिक्स माइनस फोर माइनस फोर है ना, सो जीरो आ जाता है. सिक्स माइनस फोर इज टू, टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो. तो इसके ऊपर जीरो ही आना चाहिए. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. हैव यू अंडरस्टूड? फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इससे हमारा वाला कॉन्सेप्ट भी प्रूव हो गया ना कि अगर ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर उसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और अगर उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता. ठीक है, यही सेम आप नेक्स्ट जब हम हायर क्लासेस में प्लस टू में पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. जैसे हमने नेक्स्ट ईयर पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के पांच छह ऑक्साइड, पांच ऑक्साइड्स होते हैं. उन पांचों ऑक्साइड्स के ऊपर यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, कहां पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और किस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएंगे. ठीक है, इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल हम और कर रहे हैं. वी आर डूइंग द एग्जाम्पल ऑफ COCl2. फॉस्जीन बुलाते हैं हम इसे. दिस इज अ वेरी पॉइजनस गैस. फॉस्जीन, ठीक है, जो इसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया गया है वो ये है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इसके ऊपर टू है तो सिक्स और होंगे, राइट. उसी तरह के इसके पास भी टू है तो एट कंप्लीट करने के लिए सिक्स और चाहिए. पार्टू ला रहा है समझ? सो सिक्स और चाहिए, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना. तो दो तो इसके पास है, यहां देखो दो तो इसके पास है ना, तो इसको एट चाहिए. तो एट माइनस टू इज इक्वल टू हाउ मेनी? सिक्स. सो हम क्या कर रहे हैं? फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ड्रॉ कर देते हैं. अब इस ऑक्सीजन के पास वन टू थ्री फोर है तो एट माइनस फोर, फोर टू कैसे? एट माइनस फोर दैट इज फोर. सो यहां पे भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, अब क्लोरीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर उसका एक सिंगल बॉन्ड बन गया
तो उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर 0 आना चाहिए उसी तरह से इस क्लोरीन के ऊपर 0 आना चाहिए और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 आना चाहिए कार्बन के चारों बॉन्डेड हैं तो इसके ऊपर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कार्बन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0 सो जब हम कैलकुलेट करते हैं इन सब का लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्लोरीन और सेकंड क्लोरीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है तो जो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट क्लोरीन के ऊपर आएगा वही सेकंड क्लोरीन के ऊपर आएगा ठीक है सो हम सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन का करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन 7 वेरी गुड सो 7 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 और शेयर्ड पेयर Seven minus six is one. One minus one is zero. So इसके ऊपर formal charge आ गया zero. इसके ऊपर भी zero आ जाएगा क्योंकि absolutely same structure है ना? फिर oxygen के ऊपर करो. Calculate valence electron six minus four. Zero. Four. 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 that is equal to 0. So this cube is 0 and carbon cube is 0. Why? Because all 4 they are already bonded. So this formal charge jo hai, this is very very important. Why? Because ye hume exact जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का देता है ठीक है सो द लास्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स General properties of covalent compounds. The first is state of existence. जो covalent compounds होते हैं, they generally exist as molecules. जैसे ionic compounds generally exist as ions. यही पढ़ा था हमने. जो ये होते हैं, they generally exist as molecules. इनके बीच में जो forces of attraction हैं, they are weak. They have weak forces of attraction. ठीक है? क्योंकि weak forces of attraction हैं, तो इसकी second property को ये explain करता है, they have low melting and boiling points. Low melting and boiling points due to weak forces of attraction. Third, they are generally soluble in organic solvents only. Water mein soluble nahi hote. Kyun? क्योंकि ये आयनिक नहीं है और हमने पहले पढ़ा कि सिर्फ वो कंपाउंड्स जिसमें आयंस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल है सो जितने भी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये आयंस की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं कौन-कौन से फॉर एग्जांपल बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 का
carbon disulfide. Right? Number 4, they are non-conductors of electricity. क्यों होंगे नॉन कंडक्टर्स अगेन बिकॉज इसमें आयन फॉर्मेशन नहीं है मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इजिली मूव कर सके और जो भी स्पीशीज मूव नहीं करती वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती ठीक है वी अंडरस्टूड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट मोबाइल ठीक है द नंबर 5 They undergo molecular reactions. They undergo molecular reactions. और ये जो reactions होती हैं, they are slow reactions. And last, very very important, they are Directional in nature, जिसके basis पे हम लोग theories करेंगे कि covalent bond किस तरह से form होते हैं, वो इसकी direction देता है, ठीक है? जैसे हमने ionic bonds में क्या पढ़ा? They are non-directional, but ये जो हैं, they are directional in nature. So क्या characteristics हो गए? Differences भी covalent और ionic compounds में इसके basis पे हम कर सकते हैं. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी ये जो है ये गैसेस की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारे गैसेस हैं फिर उसके बाद बेंजीन इज अ लिक्विड CCl4 इज आल्सो लिक्विड CH2 इज आल्सो लिक्विड ठीक है सो दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक बॉन्ड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ठीक है दे आर नॉन कंडक्टर्स दे आयनिक आर कंडक्टर्स इनकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है उनकी आयनिक रिएक्शंस होती है आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है और इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी स्लो एंड देन लास्ट डायरेक्शनल और आयनिक क्या है नॉन-डायरेक्शनल ठीक है याद तक क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम है